जी बेटा देखो कौन आया है। अच्छा मतलब हम इनको ले जाएं। आपका भाई आया है। ये है तुम्हारा भाई। तो आप कह रही हैं कृष्ण जी मेरा भाई है? हाँ बिटुआ बिल्कुल भाई है। ये तो भगवान जी है। आज से हम इन्हें लड्डू बोलेंगे है ना तुम्हारा नाम? हमारी ये नियति है ना रोज रात को अपने लड्डू गोपाल से बात करना और वो भी अपने कमरे में बिस्तर पे लेट लेट के। वाह क्या हुआ इतनी तेज क्यों चिल्ला रही है? मासिक के समय मंदिर में आना पूजा करना मूर्ति को छूना क्या कर दिया तूने? शास्त्र सम्मत नहीं है। महीने के ये 5-6 दिन औरत हो या लड़की अशुद्ध रहती है। 5 दिनों में तुझे लड्डू से दूर रहना ही होगा। हाथी पापा के पास बैठने से रोक रहे हैं, हम पार्टी में जाने से रोक रहे हैं, किससे पूछूं मम्मी? यही औरतों की नियति है बेटा। ये कोर्ट से नोटिस है ये रिसीव कर लीजिए आप। कोर्ट का समन है तुम्हारे और प्रभा के नाम पे। तुम बस जज साहब से इतना ही पूछ रही हो कि भीड़ जाने पे लड़की अशुद्ध कैसे हो जाती है? मेरा एक 14 साल की बच्ची जो अपनी माँ और दादी की बात नहीं मानती क्या वो संस्कारी है? जो अपनी जिद की खातिर पूरे परिवार को कचहरी में खींच लेती है क्या वो संस्कारी है? अब शुक्ला परिवार का जुलूस निकलेगा घर से लेकर कचहरी तक। वो जानबूझकर महामारी के दिनों में काना को छूती है क्या वो संस्कारी है? नियति तुम अपना बचपना नहीं छोड़ रही हो। सर मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ रही। उसने वो सवाल उठाए हैं जिनका जवाब हर लड़की जानना चाहती है कि इस देश में हर घर में अशुद्ध अशुद्ध कैसे हो गई मैं अशुद्ध? एक नियति है जो ये सवाल लिए खड़ी है। 14 साल की एक बच्ची को मोहरा बनाकर सनातन संस्कृति के मान्य नियमों पर हमला किया जा रहा है। कान्हा की नगरी में कान्हा का अपमान नहीं होने देंगे। पंडित रामदत्त के ज्ञान पर संदेह कर रही है। हमें सोच बदलनी होगी, हमें समाज में बदलाव लाना पड़ेगा। आपके बच्चे हम लोग जैसे नहीं है प्रभा। पिट्टी भर की लड़की ने पूरे घर को महाभारत बना के रख दिया। 2 दिन बाद इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। मुझे बताया गया कि कृष्ण मेरे भाई है और मैंने उनमें अपना भाई देख लिया।